ने बात करें हिमाचल प्रदेश में 24 जुलाई सुधी भारी वरसाद की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 24 जूने मॉनसूने दस्तक आपी थी और त्यारथी अत्यार सुधी में 138 लोग वरसाद जनित दुर्घटनाओं में मार्या गया है। 586 घर धराशायी थे। 5030 मकानों ने आंशिक नुकसान थे। रामपुर में वरसाद ने कारण भारी तबाही है। हिमाचल प्रदेश ना रामपुर में भारे वरसाद बाद घना मकानों में तिराड पड़ी गई छे। आ तस्वीरों छे ग्राम पंचायत नरेन नी। अही लोगों नी निंदर उड़ी गई छे। पीडब्ल्यूडी वाले तो केरी नहीं कर रहे। पूरा गिरा पानी आ रहा नीचे सारा। इधर से देखो, इधर से पानी, इधर से देखो, इधर से पानी, पीछे से देखो। इतना घर बैठ रहा, सारा दरारे पड़ी है नीचे। हम तो रात को सो ही नहीं रहे जी। बुढ़िया रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं। भाई कब भी गिरेगा घर। तो क्या ये ड्रेनेज सही नहीं बना है पीडब्ल्यूडी ने? वो तो आप भी लोग देख सकते हैं, दोबारा फोटो लेके दिखा सकते हैं। ऊपर बिल्कुल भी नहीं बना हुआ, उसमें कुछ भी नहीं बना हुआ। इतने साले हो गए, हम बुड्ढे हो गए जी। यहाँ बाल सफेद हो गए हमारे। बोल बोल के सुनते नहीं। हाँ जी बोले कर लेंगे जी, कर लेंगे जी। कोई केयर ही नहीं कर रहा। जब इतना नुकसान होगा फिर हम कहाँ जाएं? सरकार तो ही नहीं देगी हमारा भी इतना खर्चा। किस किस को देगी सरकार? डजनबंद मकानों बर्बाद थई चुक्या छे। प्रशासन तरफ थी पण कोई जरूरी सतर्कता दाखवामां नथी आवी। ये देखिए सर, मेरे घर में पिछले एक हफ्ते से इतनी दरारें आ चुकी हैं। पूरा घर हमने खाली कर दिया है। हमने प्रशासन को भी 2-3 बार एप्लीकेशन दी। हमने यहाँ के MLA श्री नंदलाल जी को भी एप्लीकेशन दी और मंडी की सांसद हमारे यहाँ प्रतिभा सिंह पाटिल जी को भी हमने यहाँ के एप्लीकेशन दी कि हमारे यहाँ पे डंगा लगना चाहिए। पर प्रशासन ने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब देखिए सर, हमने पूरा ये रिहायशी मकान बनाया था। मेरे पापा ने पूरी संपत्ति अपनी कमाई से इसी घर को बनाया था। और अब 2019 में उनकी डेथ होगी। अब हम 3 ही सदस्य घर में, 2 भाई है और एक हमारी मम्मी है। हम दोनों बेरोजगार है। और यहाँ देखिए, हमारा घर पूरा बैठ चुका है। हमने खाली कर दिया, किराए के मकान पे चले गया सर। प्रशासन की ओर से पंचायत और पटवारी आए थे। किस कारण कमी किसकी थी? ये जो कमी है पूरी PWD विभाग की है। यहाँ से इतना पानी जाता है सर, पर ड्रेन की कोई सुविधा नहीं है। वो पानी ऐसे ही जा रहा है। इतनी बार उनको भी बोला कि इसमें प्रॉपर ड्रेन होनी चाहिए, पर कोई ड्रेन नहीं है। पानी ऐसे ही जा रहा है जिसमें से पूरा मकान बैठ चुका है और हमने खाली कर दिया। अब हम कहाँ से बनाएंगे सर ये मकान? अब किराए के मकान पे रह रहे हैं। हमें प्रशासन से अभी भी यही उम्मीद है कि रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से आए यहाँ पे, देखे तो सही। प्रशासन को कोई तो आए, एक्शन आए, JE आए, कोई तो आए सर, ताकि देखे अगर अभी भी इसमें टाइमली डंगा लगता है तो अभी भी मेरा जो आधा बच्चा मकान है बच सकता है सर। हिमाचल प्रदेश में घना विस्तारों में भारे वरसाद ना कारणे अचानक पूर अने भूस्खलन थयु छे। तेना कारणे हिमाचल प्रदेश ने भारे माळखागत अने नाणाकीय नुकसान थयु छे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।